Assalamualaikum everyone, welcome to the online classes of the Smart School City Campus Quetta. Today we are studying English language of grade 10. Yesterday we were doing science and technology chapter number 3. Sorry, chapter number 2. We were studying, we can also see the least technology has revolutionized the mean of the communication. Hamari communication mein revolution lai gayi hai. We can talk with our relatives and friends thousands of miles away from us with the help of modern scientific devices like telephone. हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड जो हमसे थाउजेंड ऑफ मीटर दूर है, हम उनसे बात कर सकते हैं किसके ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, कॉल फोन एंड कंप्यूटर्स, फ़ोन के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए. ड्यू टू दीज लेटेस्ट डिवाइसेज आवर वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. इनके ज़रिए क्या हो गया, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन गया है. इफ़ एनीथिंग इंपॉर्टेंट हैपन्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी हिस्से में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रुनमा होती है, द न्यूज़ कैन बी कन्वेड विद द सेकेंड विद द हेल्प ऑफ रेडियो. आपको न्यूज़ मिल जाती है रेडियोज़ के ज़रिए, टेलीविजन के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए. द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो हेल्प मैन काइंड टू फाइट अगेंस्ट द फेटल डिजीज. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम डिजीज से लड़ सकें. वंस देर वॉज अ टाइम वेन सर्टेन डिजीज वर कंसिडर टू बी इनक्यूरेबल, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिसर्चेज हैव डिसॉल्व डिफरेंट मेडिसिंस विच कैन क्योर डिफरेंट डिजीज. पहले क्या होता था, लोग ना डिजीज से ही मर जाया करते थे, लेकिन आज के दौर में लोग इन्हें शिकस्त दे देते हैं. इवन इन द फील्ड ऑफ सर्जरी ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, लिवर एंड किडनी हैज़ ऑल्सो बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस. जितनी बड़ी बीमारियों, कोई सर्जरी हो, ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो, मतलब कि हार्ट आपने चेंज करना हो, लिवर को, किडनी का मसला हो, कुछ भी हो, वो आपका मसला सॉल्व हो सकता है. With the advancement of telecommunication technology, distance education program have rapidly expanded. क्या कह रहे हैं, हमारी एजुकेशन भी एक्सपेंड हो गई है किसके ज़रिए, हमारी सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए. डिस्टेंस एजुकेशन इन इनवाइटेबल लिंक टू मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. द डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर फ्लेक्सीबल लर्निंग थ्रू द बोथ ऑनलाइन एंड प्रिंट बेस्ड मटीरियल. हमारी एजुकेशन कैसे आसान हो गई है, इंटरनेट के ज़रिए एंड प्रिंट मटेरियल के ज़रिए. जैसे कि हमें जैसे हमारे पास बुक है, ये क्या, ये प्रिंटेड है, तो ये किसकी वजह से, ये सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है. डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड वन ऑफ द स्टडी ऑप्शन टू स्टडी एंड अदर हु आर अनएबल टू अटेंड स्केजुअल क्लास ऑफ द कैंपस. With the fast growth of the internet and the fast progress of the communication, the World Wide Web, maybe you know is www, is new medium for distance learning. क्या हो गया, हमारे लिए इंटरनेट एक बड़ा जरिया बन गया है पढ़ने के लिए. नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्सेस द इंटरनेट वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज कंसीडर वन ऑफ द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. जो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है पढ़ने का. अपार्ट फ्रॉम इट, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग इज अनदर ऑप्शन ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. हमारे पास क्या है कि एक और तरीका भी है कि अपनी शेयर करें. आजकल हमारे पास तो व्हाट्सएप भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, मैसेंजर हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें जिससे आप लोग चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हैं. इट अलाउ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्ट टू द इंटरेक्ट विया ये कंप्यूटर नेटवर्क मोर इजीली एंड एफिशिएंटली. दिस इंटरेक्शन कैन बी थ्रोट ईमेल मैसेज फाइल ट्रांसफर चैट रूम एंड रियल ऑडियो वीडियो एक्सचेंज. The fast progress in computer technology, computer conferencing is taking most important place in a teaching or learning process. क्या जो कंप्यूटर है वो एक प्लेस ले रहा है किसका, एक फास्ट टेक्नोलॉजी का. देयर इज नेगेटिव साइड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल एज इट इज इन्वेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड एटम बॉम्ब्स. जो नेगेटिव साइड भी हमारे पास वो क्या है, एटम बॉम्ब है, विच हैव कॉज अ न्यू फियर्स अमंग द पीपल. जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा किया गया है. एज वी नो दैट अगस्त 1945 अमेरिका ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. 1945 पे क्या किया था, अमेरिका ने एक बॉम्ब गिराया था जापान, विच रिजल्टेड इज किलिंग ऑफ द थाउजेंड ऑफ पीपल. जिसमें जापान में लोग थाउजेंड ऑफ पीपल मर गए थे. द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन लेफ्ट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्टंड एंड कन्फ्यूज्ड. The scientists were also bewildered by the power which